आज ईद के इस पावन पर्व पर मैं अपनी ओर से आप सभी ज़िलेवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और यही आशा व्यक्त करता हूं कि ईद का ये पर्व हमारे ज़िले में खुशहाली लाए और 30 दिन के जो हमारे भाई लोगों ने रोज़े रखे हैं वो हमारे देश में अमन चैन और सुख शांति और उन्नति कायम करे। ऐसी मेरी ईद के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं और यही आशा व्यक्त करूंगा कि हमारे देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे।